अरे आगमन ये सही महोदय हम सभी के बीच है कुछ ही समय पश्चात जो वो हम सभी के बीच इस मंच पर होंगे ये बड़े सौभाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करते हुए बुंदेलखंड में बंदूक ही नहीं अब बनेंगे तोहफे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को धर्मनगरी आगमन पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की तपोस्थली के लिए अरबों रुपए की योजनाओं का पिटारा खोल दिया। उन्होंने जिला मुख्यालय स्थित चित्रकूट इंटर कॉलेज में जिले के विकास के लिए 171 करोड़ योजनाओं का लोकार्पण किया और 1037 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री मानधन योजना समेत 14 योजनाओं के चयनित लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। साथ ही जल शक्ति अभियान, मेरी छत मेरा पानी एवं बेसिक शिक्षा विभाग की ज्ञान मंदाकिनी पुस्तिका का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने बेसिक शिक्षा के 5 छात्रों को ड्रेस, जूते, मोजे व पुस्तकें भेंट की। योगी ने कहा कि सुना है बुंदेलखंड में बंदूक ना होने पर शादियां नहीं होती थी, इसलिए अब हम डिफेंस कॉरिडोर बनाकर यही बंदूकें और तोहफे बनवाएंगे। योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम के बाद कलेक्टर पहुंचे, अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री 13 सितंबर को कार्यक्रम में शामिल होने के बाद रात्रि विश्राम कर भी मुख्यालय स्थित लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह में रात्रि विश्राम करेंगे। बाद 14 सितंबर सुबह प्रदेश के पहले रोप वे का लक्ष्मण पहाड़ी के पास शुभारंभ कर कामतगिरी परिक्रमा लगा चित्रकूट से रुखसत होंगे। मानवेंद्र सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती रंजन, और सबके बावजूद इतनी भारी संख्या में उपस्थित चित्रकूट के मेरे भाइयों बहनों, मैं सर्वप्रथम इस पावन भूमि को नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि आप सब, मैं स्वयं भी इस बारे में चिंतित था कि मैं आजादी का केंद्र बिंदु भी बना था बुंदेलखंड, और उस बुंदेलखंड को विकास के मानचित्र पर प्रस्तुत करना न केवल सरकार इसके प्रति प्रतिबद्ध है बल्कि अपने इस नैतिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करने का किसी मजहब किसी संप्रदाय के लिए नहीं, इस देश के अंदर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके के लिए सरकार कार्य करेगी। आपने देखा होगा गरीबों को मकान मिल गए, गरीबों को शौचालय मिल गए, गरीबों को रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए, गरीबों को विद्युत के कनेक्शन मिल गए, किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में पैसा मिलना प्रारंभ हो गया। जो किसान बचे होंगे, कोई गरीब राशन कार्ड से वंचित नहीं रह पाएगा, कोई गरीब अगर पात्रता की श्रेणी में है तो वृद्धा पेंशन से वंचित नहीं रह सकता, 100% पेंशन की सुविधा, वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिलाओं को निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन की सुविधा। पांचवा अलीगढ़ और छठा लखनऊ, इन केंद्रों को विकसित करने की कार्रवाई, उद्योग लगेंगे, रक्षा उत्पादन होगा, आधुनिक राइफलें बनेंगी, बंदूकें बनेंगी। बुंदेलखंड के बारे में तो कहा जाता है कि अगर बंदूक नहीं तो उसकी शादी नहीं होगी। अब बंदूक लगाने की फैक्ट्रियां नहीं लगाएंगे, और बंदूक भी नहीं तोप लगाने की फैक्ट्री लगवाएंगे। बुंदेलखंड में बनी तोप जब सीमा पर गोले बरसाएगी तो दुश्मन थर्रा उठेगा, और ये कार्रवाई डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के माध्यम से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं बुंदेलखंड के माध्यम से। यहां का नौजवान प्रयास नहीं करेगा
संदेशखंड में ही खुशहाली लाने का कार्य करेंगे। और इस दृष्टि से भाइयों बहनों वही कार्य योजना लेकर के आज मैं चित्रकूट में आया हूं। मुझे विगत दिनों आना था, 25 अगस्त को भी मेरा कार्यक्रम लगा था, लेकिन मैं उस दौरान आ नहीं पाया था। मेरी हार्दिक इच्छा थी इससे पहले भी आने की, क्योंकि बुंदेलखंड हमारी एक बहुत समृद्ध परंपरा का क्षेत्र है। भगवान राम ने 14 वर्ष के वनवास के दौरान अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया था इसी क्षेत्र में, इसी चित्रकूट में, और अनेक आशाओं की पूर्ति करना और आगे 5 वर्ष इस देश को दुनिया के पातक के रूप में स्थापित करने की अपेक्षाओं पर अपने आप को खड़ा उतरने की दिशा में प्रयास करना। और ये प्रयास के रूप में आप देखते होंगे 3 तलाक के नाम पर महिलाओं को कितना प्रताड़ित किया जाता था। पति दुबई में है, फोन से कह रहा 3 तलाक, बोल गया तलाक हो गया। आज कानून बन गया है, कोई अगर इस प्रकार की 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं के माध्यम से महिलाओं का अपमान करेगा, उनको प्रताड़ित करेगा, उसकी जगह जेल होगी, कठोरतम कार्रवाई होगी। आज कानून बन चुका है, महिला और पुरुष में भेद नहीं होगा, अन्याय नहीं होने देंगे, और कोई अन्याय करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। सुन लेना, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना कैसे साकार हो सकती है। हम लगातार कहते थे, भाजपा का कार्यकर्ता जनसंकल्प से इस बात को कहता था, एक देश में 2 प्रधान 2 निशान और 2 विधान नहीं चलेगा, नहीं चलेगा नारा निरंतर लगाता था। पिछली बार जब हम लोग 2014 में आए थे, लोग कहते थे धारा 370 का क्या हुआ, आज तो कोई पूछ रहा है। धारा 370 जहां जानी थी वहां चली गई है। अब तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के सपने को साकार करने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार कर दिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृहमंत्री अमित शाह जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी के प्रति अभिनंदन का पत्र भेजना चाहिए कि देश की एकता अखंडता के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए धारा 370 को समाप्त करना एक सार्थक पहल है। और इस सार्थक पहल में हम सब देशवासी आपका अभिनंदन करते हैं, क्योंकि धारा 370 कश्मीर के विकास में तो बाधक थी ही, साथ साथ ये आतंकवाद की जननी भी बन गई थी। आतंकवाद समाप्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आतंकवाद समाप्त करने की दिशा में ठोस प्रयास है या नहीं है? इसलिए धारा 370 समाप्त होना आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील है। अब आतंकवाद सिर नहीं उठा पाएगा भारत की धरती से। देश के अंदर आपने देखा होगा चुनाव के पहले 5 वर्ष में अनेक योजनाएं चली, गरीबों के लिए शौचालय, लघु और सीमांत किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए की घोषणा। लेकिन जब हम बुंदेलखंड में आते थे तो चंद्रिका जी और पटेल जी क्या कहते थे, ये कहते थे कि बुंदेलखंड के किसान को छोटे इनके बंदा मतलब ज्यादा है, ये लोग नहीं आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने सोलर का है, है? अपने आप चार्ज होता है। हम एक जाता है ना। नमस्ते।